ओम शांति। सभी बाबा के प्यार में मग्न रहेंगे। जो आत्मा बाबा के प्यार में मग्न हो जाती है, न तो माया उसकी तरफ आंख उठाकर देखती है और न ही विघ्न और समस्याएं उसका मार्ग रोकती हैं। हमें अपनी योग की शक्ति से वायुमंडल को बहुत पावरफुल और अव्यक्त बनाकर रखना है। अगर हम संगठित रूप से अच्छा योग करते रहें, तो वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हो जाएंगे। चाहे आप किसी सेंटर में हैं, घर में हैं, ऑफिस में हैं, बिजनेस सेंटर में हैं, आप अकेले भी वहाँ बहुत अव्यक्त वातावरण बना सकते हैं, क्योंकि हम सभी हैं मास्टर क्रिएटर। हम वातावरण को चार्ज कर देते हैं और योग बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा ने हम सभी को एक और टाइटल दिया है, जो योगी आत्माएं हैं, वो लाइट हाउस हैं, माइट हाउस हैं। उनसे चारों ओर लाइट और माइट फैलती ही रहती है। तो वायुमंडल बनाना हमारे हाथ में है। हमें याद रखना चाहिए, हमारे निगेटिव संकल्प, हमारा व्यक्त भाव, हमारी बाह्य मुक्ता वायुमंडल को हल्का कर देते हैं। उसमें अलौकिक आकर्षण नहीं रहता है, उसमें आने वालों को शांति मिले ऐसा भी आभास नहीं होता है। उसमें आते ही हर व्यक्ति का योग लग जाए, मन एकाग्र हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा। हमें अपने वायुमंडल को ऐसा बनाना है कि जो भी उस घेरे में आ जाए, ओरा फैलता है हमारा चारों ओर, वाइब्रेशंस फैलते हैं, एक घेरा बनता है। तो हमें ऐसा वायुमंडल बनाना है कि जो भी उस घेरे में आ जाए, उसका चित्त शांत होने लगे, उसको आंतरिक जागृति होने लगे, उसकी शक्तियाँ जग जाएं, उसको अपनी महानताओं का आभास हो जाए और वो भी बाह्य मुक्ता को छोड़कर श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लग जाए। विशेषकर जनवरी मास में इस तरह के सुंदर अनुभव हमें करने ही हैं। वायुमंडल किन संकल्पों से बहुत अच्छा बनता है? यों तो जो जितना योग युक्त होते हैं, उनका वायुमंडल पावरफुल हो ही जाता है। पर इसके साथ सरल रूप से जान लें, अशरीरीपन से शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर बहुत फैल जाते हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, इससे किसी भी स्थान का वायुमंडल बदल जाता है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्वमान के अभ्यास करने से वातावरण शक्तिशाली बन जाता है। और मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ या फरिश्ता हूँ या पवित्रता की देवी हूँ, इससे वायुमंडल में पवित्रता के प्रकंपन बहुत प्रभावी रूप से फैलने लगते हैं। तो हम सभी इन सभी का अभ्यास करते रहें अपने जीवन में। बिना अभ्यास के तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हम अपने को इतना चुस्त कर दे, अलर्ट कर दे कि अभ्यास हमसे भूल न जाए, क्योंकि जब तक एक महान लक्ष्य जीवन में न बनाया जाए, मनुष्य के कदम तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। मान लो किसी ने लक्ष्य बना लिया था कि मुझे पूरी जनवरी अमृत वेले ऐसे सुंदर अनुभव करने हैं, सारा दिन मुझे ऐसा करना है, तो सवेरे उठते ही वो लक्ष्य याद आएगा। सोने से पूर्व भी उस लक्ष्य को याद कर लेना चाहिए। ऐसे 21-21 दिन के सुंदर लक्ष्य अपने पुरुषार्थ जीवन में बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो लक्ष्य हमें प्रेरित करता रहेगा, लक्ष्य हमारे आलस और अलबेलेपन को समाप्त करता जाएगा। तो आइए हम सभी इस स्वमान में स्थित हो जाएं। आज मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ और मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। इन दोनों स्वमान का अभ्यास करते हुए ज्ञान सूर्य मेरी आंखों के सम्मुख है,
उसकी सामने से किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मेरे अंग अंग से ये किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस आज सारा दिन रखेंगे तो चारों ओर के वायुमंडल को चार्ज होता हुआ अनुभव करेंगे। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।